सारी प्रॉब्लम्स एक साथ नहीं देखनी, हाँ या ना? तुम्हें अब सब बातों पर ध्यान हटा करके देखना चाहिए कि नवंबर में दिल्ली पुलिस और अक्टूबर में ग्रुप डी का पेपर होना, वो पास होना चाहिए, ये देखना बस। बाकी सब चीजें देखनी बंद कर दो। अगर तब तक तुम्हारी रोटी चल जाएंगी, खाना चल जाएगा, तो बाकी चीजें देखनी बंद कर दो। एक चीज होती है अर्जेंट और एक होती है इम्पॉर्टेंट। अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट जिस आदमी को नहीं पता, वो आदमी जिंदगी में सफल कभी नहीं होगा। तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, उसके लिए तुम्हारे पास एकमात्र एक रास्ता है, सरकारी नौकरी। तुम लोगों के पास कितनों के पास है कि तुम लोग जो है बिजनेस कर लोगे, तुम लोग कुछ और कर लोगे? प्राइवेट सेक्टर में तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। कितने लोग सोचते हैं कुत्ता पालो बिल्ली पालो, बहम नहीं पालना चाहिए? और किसी को बहम पल गया तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज बहुत सारी है यहाँ सोनीपत में ही, वहां जाके पता कर लो। 10,000, 12,000, 15,000 इतने जो 10-15 साल पहले से काम कर रहे थे उनकी भी सैलरी इतनी थी, तुम्हारी भी इतनी मिलेगी। वहां से किसी आदमी ने ग्रो कर लिया तो ग्रो हो गया, नहीं ग्रो कर लिया तो फिर क्या है? मैंने जो बोला समझ में आया? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. अब सरकारी नौकरी में तुम लगोगे तो लगता ही 50,000 रुपये है सैलरी, ना कोई रिस्क ना कोई इन्वेस्टमेंट, ये पढ़ना है। अब 2-3 महीने दब के पढ़ना है। सरकारी नौकरी लगने के बाद किसी का मन करता मुझे बिजनेस करना, करके देख लेना, एक साल की छुट्टी ले लेना, बिजनेस करके देख लेना। इतने पैसे तो लगाना मत कि घर भी बेच के लगा दो। बिजनेस जो भी तुम्हें करना हो बिना रिस्क का बिजनेस कर लेना, चल गया ठीक, नहीं चल गया ना तो चुपचाप उसको बंद करके अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी पर बैग उठा करके फिर चल देना। लाइफ सेफ होनी चाहिए, लाइफ सेफ होनी चाहिए। अपने दिमाग का कीड़ा शांत करने के चक्कर में अपना और अपने घर वालों का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसी गड़बड़ करते तो वे मरते हैं, सुसाइड करते हैं, हाँ या ना? Yes, अब की बार नौकरी लग गए तो ठीक, नहीं तो फिर भर्तियां निकलेंगी। भर्तियां तो देखो लगातार निकल रही है, कंटिन्यूअस निकल रही है। अब जो आदमी ये गोल्डन चांस है इसका फायदा उठा के नौकरी लग गया तो बढ़िया काम है। तो अब तुम्हें और कुछ नहीं देखना। अगर तुम्हारा खाना चल रहा है, रोटियां मिल रही हैं, कपड़े तुम्हें पहनने को मिल रहे हैं, तो अब सारे काम छोड़ करके पढ़ो। अर्जेंट में क्या हो सकता है भाई, किसी का भगवान भला करे कभी ऐसी ना हो, नौबत ना आए, चोट लग गई किसी को, अस्पताल ले जाना, तो क्लास छोड़ के अस्पताल ले जाना पड़ेगा। क्यों? ये तो नहीं कह सकते ना ग्रुप डी का पेपर होने के बाद अस्पताल में ले जाएंगे। मैंने जो कहा समझ में आ गया? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. अब सब कुछ फिजिकल दौड़ धूप ये वो सब छोड़ करके सिर्फ पढ़ो। पेपर दिखना चाहिए और पेपर पास तब होगा जब रोज का काम दिखना चाहिए। आज तुम्हें सिंप्लीफिकेशन दिखना चाहिए, पहले ये निपटाना है। एक चैप्टर फिर रीजनिंग का।